नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आपकी Google Drive से कोई फोटो या फिर कोई फाइल या फिर कोई PDF अगर डिलीट हो जाती है तो कैसे आप उसे रिकवर करेंगे, कैसे आप उसे रीइंस्टॉल करेंगे। तो ये जानने के लिए ओपन करते हैं यहाँ पे इस Google Drive को। और Google Drive ओपन हो जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी कुछ फोटो है और इस फोटो को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ इसे। तो दोस्तों यहाँ से अब ये मेरी फाइल में कोई भी फोटो अब नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी फोटो डिलीट हो चुका है। तो अगर आप इसे रिकवर करना चाहते हैं, दोबारा इसे रीइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप आ जाइएगा बैक। और बैक आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तीन लाइन दिखलाई दे रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके फ़ोन में एक ऑप्शन होता है बिन का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा बिन में। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं जो फ़ोटो डिलीट किया था वो फोटो यहाँ पर आके पड़ी हुई है। तो अगर आप इसे दोबारा रीस्टोर करना चाहते हैं इस फोटो को, तो यहाँ पर इस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं इस सभी फ़ोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे इस तीन लाइन पे। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रीस्टोर और डिलीट फॉर ईवर। अगर आप इसे हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा डिलीट फॉर ईवर। अगर आप इसे रीस्टोर करना चाहते हैं, फिर चाहते हैं कि हमारी फ़ोटो आ जाए, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा रीस्टोर। अब ये फोटो आप जहाँ से डिलीट किए थे वहीं पे ये जाके सेव हो जाता है। तो यहाँ से हम आते हैं बैक और आते हैं हम उस फाइल में, तो ये देखिए मेरा फोटो यहाँ से आ चुका है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।